सब्सक्राइब दिस चैनल। हेलो एवरीवन, कल आपां एक वीडियो कीती सी जिहदे विच की सी सेंट्रल टेंडेंसी ते आपां स्टैटिक्स बारे पढ़िया सी। सेंट्रल टेंडेंसी दी मैं तुहानूं थ्री टाइप्स दस्सियां सी जिहड़ियां सी मीन, मीडियन एंड मोड। मीन आपां कल कर लिया सी, अज आपां मीडियन और मोड करांगे। ठीक है, सब तो स्टार्टिंग आपां करते हैं मीडियन तो। मीडियन हुंदा की है? मीडियन हुंदे मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा गिवन। जो भी आपां कोई भी डेटा दिता होया वो जी सब तो मिडल वाली वैल्यू होएगी, सेंटर वाली वैल्यू होएगी, वो होएगी मीडियन। ठीक है, 50% लाइज बिलो द मीडियन वैल्यू एंड 50% लाइज अबव द मीडियन वैल्यू। मतलब कि जो भी अपने को मीडियन वाली वैल्यू होएगी, सेंटर वाली वैल्यू होएगी, 50% डेटा वो उपर होएगा, 50% डेटा वो नीचे होएगा। ठीक है, कल आपां कीता सी भी जिहड़े डेटा हुंदा दो तरह का हुंदा, एक अनग्रुप्ड डेटा और एक ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इसे तरह दोनों ते अलग अलग फॉर्मूले अपलाई होंगे। सब तो पहला जो आप अनग्रुप्ड डेटे की गल करिए तो वेद की होएगा, वो सब तो पहला आप करा अरेज करा द स्कोर फ्रॉम लोएसट टू हाईएसट और हाईएसट टू लोएसट। कह मतलब कि आप डेटे असेंडिंग ऑर्डर लिखा जानू डिसेंडिंग ऑर्डर के लिखा। ठीक है, वो लिखन तो बाद आप चेक करा कि इफ एन इज एन ऑड नंबर दैन मीडियन इज़ द मिडल स्कोर। जे अपने को एन एन की होंगे भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो भी अपन वैल्यूज़ दिती होने किन्ने किनिया वैल्यूज़ ने काउंटिंग दे विच। ठीक है, जे तो वह ऑड नंबर दे विच ने, ठीक है, तो कि जिहड़ा मीडियन होएगा कि होगा जिहड़ा सेंटर वाली वैल्यू है सीधा वह मीडियन हो जाएगा। इफ एन इज़ एन ईवन नंबर दैन मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ द टू मिडल स्कोरस। जब अपने को एन की ईवन नंबर आ जाती है तो अपने को दो वैल्यूज़ आनगियाँ मिडल दे विच, सेंटर दे विच दो वैल्यूज़ आनगियाँ, तो अपन दोनों वैल्यूज़ का की कर देंगे एवरेज काट लाँगे जिहड़ी की होएगी उहदा मीडियन। जिवें आप एग्जाम्पल तो लै लैंदे आ, सब तो पहला अपने को 5 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश क्लास के जिन्हों का स्कोर दिता हुआ अपन एक्स दे विच दिता 19, 17, 16, 15 और 10। 5 की है एक ऑड नंबर, ऑड तो पता है। ठीक है, हुण आपां इहदे विच बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू कि होएगी 16, मतलब कि टू वैल्यूज़ इहदे उपर, टू वैल्यूज़ नीचे, तो जिहड़ा 16 की होएगा, 16 की हो जाएगा अपने कोल मीडियन। ठीक है, ईवन नंबरस दे विच आपां दूसरा फॉर्मूला लगावांगे और ऑड नंबर दे विच हमेशा अपने कोल सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी जिहदे विच दो वैल्यूज़ उपर ते दो वैल्यूज़ नीचे, जां 50% उपर 50% नीचे, वह की होएगा अपने कोल मीडियन। ये आपां कीती सी ऑड नंबरस वाली एग्जाम्पल। हुण अपने कोल जे डेटा दे मतलब कि एन वैल्यूज़ ने ईवन होन तो आपां किवें करना है। हुण एग्जाम्पल दे विच क्या 8 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास दे विच 8 स्टूडेंट्स ने, उन्हां दा आपां नूं डेटा दित्ता होया। हुण 8 की है एक ईवन नंबर है। ठीक है, ईवन नंबर दे विच देखो हुण अपने कोल स्कोर है 30, 19, 17, 18, 15, 10, 5, 2। हुण इहनां नूं काउंट करांगे 8 वैल्यूज़ ने। हुण 8 दा जे आपां हाफ करना होवे तां 4 आएगा, बट जे 4th वैल्यू नूं आपां लैंदे आ 18, ठीक है, 18 के उपर तो 3 वैल्यूज़ ने बट नीचे किनिया ने 4 वैल्यूज़। आपां की लैना हुंदा बिल्कुल सेंटर लैना हुंदा, सो आपां की करांगे दो वैल्यूज़ लवांगे 5th और 4th वैल्यू। ठीक है, जिहदे च मतलब कि 3 वैल्यूज़ उपर ने, 3 वैल्यूज़ नीचे, ये दो वैल्यूज़ जिहड़ियां आ गईयां आपां इन्हां दोनों का की कर देंगे प्लस करन तो बाद उहनूं 2 दे नाल की कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जिहदे नाल की अपने कोल मीडियन स्कोर आ जाएगा। ठीक है, सो हमेशा एवें करांगे, जे ऑड नंबर ने तो सीधा वह सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी और अगर ईवन नंबरस ने तो अपने को लवेंगे आपां सेंटर वाली दो वैल्यूज़ का प्लस करके उन्हें 2 दे नाल हमेशा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उस तो बाद हुण आपां गल करते हैं मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा। जो तो अपने को ग्रुप्ड डेटा होवे तो आप मीडियन किवें कढ़ना है? उस टाइम तो आप लवेंगे, उस टाइम तो अपने को एक फॉर्मूला होंगे एक्स की बार इक्वल टू एल प्लस एन डिवाइड बाय 2 माइनस सी एफ पी डिवाइड बाय एफ एम मल्टीप्लाई सी आई। ठीक है, ये फॉर्मूला होंगे अपने को मीडियन कढ़न का ग्रुप्ड डेटे तो। ठीक है, ये की होंगे जो एक्स की बार, जिमें आप लास्ट वीडियो किया कि एक्स की बार की सी मीन, इतने अपने को एक्स की बार की होएगी मीडियन और एम सी, एम सी होंगी है मीडियन क्लास इज़ अ कैटेगरी कंटेनिंग एन बाय 2। आपने की करना होंगे एक मिडल मीडियन क्लास कढ़नी होंगी सब तो पहला, जिहड़ी की करते आप एन नंबरस वैल्यूज़ जिहड़ियां होंदियां ने उन्होंने आप 2 दे नाल डिवाइड करके आप उतों मीडियन क्लास कढ़ लाँगे। उस तो फाइंड आउट करनी होंगी आप एल, एल की होंगी लोअर बाउंड्री, जिहड़ी मीडियन क्लास आ जाती है वो जिहड़ी सब तो
छोटी वैल्यू होंदी है वो की होंदी है लोअर बाउंड्री सी एफ पी, ये की होंदी है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एफ एम की होंदी है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सी आई की होंदी है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इन्होंने आप अगे डिटेल दे विच कर दे एग्जाम्पल के रूप। ठीक है, हम अपने को एग्जाम्पल दी हुई है, स्कोरस ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ साइंस क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 टाइम्स एंड दे आर टेबुलेटेड बिलो, द हाईएस्ट स्कोर इज 54 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 10। हमने कोई भी 40 स्टूडेंट्स का डेटा दिता हुआ जिद एक्स के इंटरवल्स दिते हुए ने, ठीक है, सारे 10 to 14, 15 to 19, और एफ के फ्रीकुएंसी दिती हुई है अपन 5 2 3 5 2 9 6 3 5। ठीक है, हम आप इतों सब तो पहला फाइंड आउट करा सी एफ। ठीक है, सी एफ की होएगा, सी एफ के आप 5 पहला फ्रीकुएंसी वाली वैल्यू लिखा 5 के कर देंगे 2 की कर देंगे प्लस 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15 15 प्लस 2 17 17 प्लस 9 26 26 प्लस 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, आप प्लस करते जावे उतो अपने को सी एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उस तो बाद आप फ्रीकुएंसी का प्लस करा ये अपने को आ जाएगी एन की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, हम सब तो पहले मैं तुम्हें दस आप करना है एन बाय टू करना है 40 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 20। ठीक है, जेड़ा हमने 20 आया आप 20 सी एफ के चैक करना है भी 20 तो ग्रेटर वैल्यू कि आ रही है। ठीक है, हम ये चैक करो स्टार्टिंग 20 तो ग्रेटर वैल्यू कि है 26। ठीक है, 26 की जी मतलब कि सामने इंटरवल है 26 के सामने इंटरवल कि 35 और 39 वो की होएगी अपने को मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के आप चैक करना है, मीडियन क्लास के मैं तुम्हें दसिया मीडियन क्लास के जी फ्रीकुएंसी होएगी वो की होएगी अपने को एफ एम की वैल्यू। ठीक है, आप नोट की तो एफ एम की वैल्यू 9। उस तो बाद फ्रीकुएंसी तो उपर वाली वैल्यू जी होएगी सी एफ के होएगी सी एफ पी 9 तो उपर कि 17 70 होगी अपने को सी एफ पी। ठीक है, हुन ये इतों आप चैक करना है भी 35 और 39 जो इंटरवल आया अपने को लोएसट वैल्यू की है 35 तो पहला चैक करना भी 34 आ रहा है 34 to 35 के विचकार सेंटर वाली वैल्यू की आएगी 34.5 जी की होएगी अपने को एल। ठीक है, हम अपने को एल भी आ गई सी एफ पी भी आ गई एफ एम भी आ गई और सी आई। सी आई की होंगी है, सी आई होंगी है इन्हों का मतलब कि डिफरेंस किन्ना भी 10 तो लैके 14 तक किनिया वैल्यूज़ आदि 10 11 12 13 एंड 14 फाइव वैल्यूज़ सारे इंटरवल्स के फाइव कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं तो सी आई की होगी 5। सो इन फॉर्मूले पुट कर दो एल की जगह की लिखी आप 34.5 एन बाय टू अपने फाइंड आउट किया 20 लिखा 20 उस तो बाद सी एफ पी सी एफ पी अपने को आ गया 17 लिखा उस तो बाद एफ एम लिखा हुआ नीचे एफ एम कि अपने को 9 सी आई सी 5। ठीक है, इनू आप सॉल्व करके जो अपने को मीडियन की वैल्यू की आ जाएगी एक्स की बार इक्वल टू 36.17 जो कि होएगा अपना आंसर। ठीक है, यह अपना मीडियन क्ढन का फॉर्मूला जो आप क्ढा ग्रुप्ड डेटे तो। ठीक है, अनग्रुप्ड भी हो गया और ग्रुप्ड भी हो गया, यह अपने को मीडियन। हूँ आप करते हैं मोड, हुन मोड कर रहे हैं। मोड की होंगे, मोड होंगे द मोड इज़ अ स्कोर दैट अकर्ड मोस्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जेड़ा स्कोर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी डेटा तो सब तो ज़्यादा आंदा वो की होंगे मोड। ठीक है, हुन इहदी एग्जाम्पल लैके करते हैं, आप एग्जाम्पल यह अनग्रुप्ड डेटा लई है, जो अपने को अनग्रुप डेटा होंगे तो उदो आप मोड किवें कढ़ना ये अपने स्कोर दिते हुए 10 स्टूडेंट्स के सैक्शन ए सैक्शन बी एंड सैक्शन सी के रूप, ये सैक्शन ए दे स्कोर ने, ये सैक्शन बी दे स्कोर ने, सैक्शन सी दे स्कोर ने। सैक्शन ए दे विच चेक करो सब तो वध केड़ी वैल्यू आ रही है 20 आ रही है 3 times। ठीक है, तो मतलब कि मोड की हो गया 20। ठीक है, उस तरह सैक्शन बी चेक करो, सैक्शन बी दे विच 24 2 times आ रहे हैं 18 2 times आ रहे हैं, मतलब कि दोनों वैल्यूज़ की होनगियां इहदे च मोड 24 और 18। ठीक है, इसे तरह जो आप सैक्शन सी चेक करांगे तो 25 3 times आ रहा है 21 3 times आ रहा है और 18 3 times आ रहा है, मतलब कि यदा मोड की होनगियां 3 values हो 25 21 और 18। ठीक है, इसे अपना अनग्रुप्ड डेटे तो जो आप मोड कटना है। ठीक है, हूँ आप करते हैं ग्रुप्ड डेटे तो मोड कटना। ठीक है, ग्रुप्ड डेटे के अपने को फॉर्मूला होंगे एक्स की बार इक्वल टू एल प्लस डी वन डिवाइड बाय डी वन प्लस डी टू मल्टीप्लाई सी आई।
हुण इहदे च की है, इहदे च एक्स बार दी एक्स बार की है मोड, ठीक है। उस तो एल की होंगी है, एल होंगी है लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। ये की होगी जिम्मे पिछले लास्ट टाइम एम सी की अपने को मीडियन क्लास, ये एम सी अपन डिनोट करा मॉडल क्लास के ना, ठीक है। तो मॉडल क्लास किमें निकलेगी, इस कैटेगरी कंटेनिंग द हाईएसट फ्रीकुएंसी, वेद आप एन बाय टू न डिवाइड करके मीडियन क्लास कटते सी। ए जी सीधी आप फ्रीकुएंसी चैक करनी है, फ्रीकुएंसी के जी सब तो हाईएसट फ्रीकुएंसी होएगी वो सामने वाला जो इंटरवल की होएगा वह की होएगा एम सी, मतलब कि मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की जी लोअर बाउंड्री होएगी सेम लास्ट टाइम वागू वह की होएगी एल। एल तो बाद एक आप कटनी है डी वन। डी वन की होंगी है डिफरेंस होंगे भी जी अपने को मॉडल क्लास आ गई, ठीक है। मॉडल क्लास मतलब कि जोड़ा इंटरवल आप सिलेक्ट किया इंटरवल के सामने जी फ्रीकुएंसी है वो जो आप उपर वाली वैल्यू माइनस करते हैं उदो अपने को वैल्यू आती है डी वन। तो उस फ्रीकुएंसी जो आप नीचे वाली वैल्यू माइनस करते हैं तो अपने को वैल्यू आती है डी टू की, ठीक है। उस तरह सी आई की होंगी है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जोड़ा आप लास्ट टाइम किया सेम है भी साइज हो। सो आप एग्जाम्पल लै लें, स्कोर दिते हुए ने सेम 40 स्टूडेंट्स के, इन क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 आइटम्स दे आर बिलो, ठीक है। अपने को मतलब कि 60 आइटम्स का स्कोर है 40 स्टूडेंट्स का। एक्स बार दे विच अपने को इंटरवल्स दिते हुए ने, एफ दे विच अपने को फ्रीकुएंसी दिती हुई है। हुण सब तो पहला आप करने मॉडल क्लास कटनी है। मॉडल क्लास की दस्या मैं तुहानू, सब तो वध जिहड़ी फ्रीकुएंसी होएगी, सब तो हाईएसट फ्रीकुएंसी किन्नी है इहदे च 9। तो 9 के सामने वाली इंटरवल की हो गया अपने को एम सी, मतलब कि मॉडल क्लास, ठीक है। अपने को मॉडल क्लास आ गई 35 39, जिदे विच्चों आपां की कर लांगे एल दी वैल्यू कढ़ांगे सेम लास्ट टाइम 35 ते 34 दे विचकार सेंटर वाली वैल्यू 34.5 ओ की होगी अपने को लोअर बाउंड्री मतलब कि एल। और डी वन मैं तुहानू दस्या सी भी फ्रीकुएंसी तो उपर वाली वैल्यू नू माइनस करके अपने को डी वन आएगी, तो नीचे वाली वैल्यू माइनस करके डी टू आएगी, ठीक है। सी आई की हो गया इन्हों का कॉमन डिफरेंस की है, सी वाई आई कि 5, क्योंकि ये 5 वैल्यूज़ आदि ने सारे इनू फॉर्मूले पुट करो एल प्लस डी वन बाय डी वन प्लस डी टू मल्टीप्लाई सी आई, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दो एल की वैल्यू डी वन की वैल्यू डी वन प्लस डी टू की वैल्यू मल्टीप्लाई सी आई की वैल्यू, इनू सॉल्व करके अपने को एक्स बार का आंसर कि आ गया 38 जिहड़ा कि सी अपने को मोड, ठीक है। ये अपने को अज के दो टॉपिक सी मीडियन एंड मोड। ये अपने टॉपिक क्लीयर हो जाते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू एवरीवन। जे किसी नूं कोई भी डाउट हो तो मैं परसनली मैसेज करके या कॉल करके अपना डाउट क्लीयर कर सकता है। ओके okay।